नाम बताएं एक बार प्लीज। मेरा नाम अजीत यादव, एक्समैन हूँ मैं। अच्छा, किसमें थे? मैं आर्टिलरी में था, आरटी में। ये आरटी में थे। ये देखिए, इनका फार्म के अंदर मुर्गी है जो यहाँ पे दाने, जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो खा जाते हैं। वायरस बैक्टीरिया कम ही उत्पन्न होगा। बहुत सारे मुर्गी पाल रखे हैं। और ये इनका नींबू का पेड़ है जो देखिए घरेलू ये फरा हुआ भी है, बगल में ही ऑर्गेनिक पेड़ है, बहुत बड़ी ट्री है तो नींबू का। और ये बताइए सर कि जो आपका गाय है टोटली कितने गाय बताया था आपने? 30 गाय। हाँ। कितना लीटर दूध उत्पादन हो जाता है डेली? 1 क्विंटल 10 kg ऐसे है। 1 क्विंटल थोड़ा जोर से बोलिएगा। 1 क्विंटल 10 kg। 1 क्विंटल 10 kg इनका दूध हो जाता है एक दिन में। एक दिन तो आप टोटली खर्चा काट के इनकम हो जाता है, ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, बिजनेस करना चाहिए। इनकम मतलब खर्चा वर्चा काट के इनकम हो ही जाता है। अच्छा, मतलब समझ लीजिए एक जॉब इतना इनकम हो जाता है। अगर कहीं बाहरी भाग दौड़ से अच्छा है कि अपने घर में रहो और अपना काम करते रहो, कुछ न कुछ उसी में अपना टाइम भी मतलब बचत होती है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 2 घंटा काम करो, बाकी दिन में रेस्ट भी मिलता है, आराम भी मिल जाता है, तो अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब डेयरी फार्म अच्छा है, दिल से करना चाहिए। और मतलब गाय है, इनका सेवा करने से अच्छा ही लगता है। जितना इनके साथ घुलने मिलने के बाद तो बहुत अच्छा फील होता है। बहुत बड़ी मतलब आपने बात बोली है। ये देख सकते हैं, अब इस साइड आ गए हैं और इस साइड में इनकी जो गाय है यहाँ से शुरू करते हैं। ये कितने लीटर दूध देता है सर? ये अभी बच्चा देने वाला है, गाभिन है। अभी गाभिन गाय कै लीटर दूध देती थी? ये इसका 14-15 लीटर के बीच में है। इस गाय का 14-15 लीटर दूध है। ये जो सेकंड नंबर है ये साहिवाल क्रॉस लग, कितना लीटर दूध देती होगी? ये 10 लीटर। ये 10 लीटर है। और ये जो उसके बाद वाली सर, वो 22 लीटर। ये गाय, ये वाली सर, ये तो 12 लीटर। ये 12 लीटर दूध देता है, देख सकते हैं। अच्छी गाय है सब और डेवलप नस्ल की है। ये कितने लीटर? ये 20-22 लीटर वाला। ये देखिए, चेप क्रॉस है और टॉप क्लास की ब्रीड है। और ये बोल रहे हैं सर कि 22 लीटर दूध देता है। और देख सकते हैं अडर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत टॉप क्लास की गाय है। ये कौन सी गाय है सर? ये भी फिजिशियन मिक्स है। अच्छा। ये भी 15-16 लीटर दूध है। ये भी होलिस्टियन फ्रीजियन एचएफ क्रॉस ब्रीड का है। और ये भी 15-16 लीटर दूध देती है। और ये आप देख सकते हैं अच्छी अडर क्वालिटी है इन गायों की। ये दोनों गाय बहुत अच्छी लग रही है। कितना लीटर इसका बताया सर? इसका 15-16 लीटर। 15-16 लीटर दूध देती है। और ये गाय सर? ये गाय तो अभी ताज़ा बच्चा दिया है, छोटा अभी बच्चा है, अभी नया नया बच्चा दिया, अभी तो दूध का पूरा क्लियर नहीं है। अच्छा। लेकिन ये भी 15-20 के बीच में देगी। तो थोड़ा सा हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर साफ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान। हाँ, साफ सफाई पे थोड़ा इसमें पुआल वाल रख रहे हैं ना, बाकी नहीं तो साफ सफाई पे अच्छा मेंटेन करके रखते हैं सर। तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लोगों के लिए एक जागरूकता या मैसेज दे रहे हैं कि गायों के प्यार करें, डुप्लीकेट दूध से लोगों को बचाएं। आजकल मार्केट में बहुत तरह के डुप्लीकेट दूध बना के बेच देते हैं। इस जहर से बचाने के लिए लोगों को फार्मिंग में आगे आना होगा। और डेयरी फार्म बहुत कम लोग करते हैं, दूध का सबका प्रोडक्ट इसमें मेहनत लगता है इसलिए कम लोग करते हैं। जिसको इन गायों से लगाव हो जाता है वो सिर्फ यही करना चाहता है। अच्छा, जिनको गायों से मतलब लगाव हो जाएगा वो सिर्फ यही काम करना। गाय भी उस आदमी से फिर प्यार करने लगती है, एकदम चिपकने लगती है, तो दिल लगने लगता है इनसे। मतलब एक होता है, इनके नज़दीक आते ही मतलब एक अलग एक्टिविटी करती हैं, एकदम पास में चिपक जाती हैं, अच्छा फील होता है उस टाइम। इसलिए मतलब काम बहुत इंटरेस्टेड है। अदर काम में इतना रुझान नहीं है, कोई प्यार नहीं मिलता है, पैसा तो खाली जिंदगी चलाने के लिए कारगर नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है, जनता के लिए एक मैसेज है कि सब लोग जो है इसमें प्यार है, रुझान है और पैसा भी है, आप अपने जिंदगी को आराम से चला सकते हो। हाँ हाँ, आराम से चला और सकते हो, इंगेज भी रख सकते हो। इंगेज भी रख सकते हो। ये है कि मतलब गायों में एक अलग ही मतलब आप इनके साथ रहने लगोगे तो आपको एक अलग ही फील होता है, अच्छा फील होने लगता है कि नहीं यार ये सही है, ये कुछ गलत नहीं है। मेहनत करेंगे, पैसे भी हैं और इनके साथ दिल लग जाता है, सब कुछ है इनके साथ। ये भी आपसे प्यार करने लगती हैं, फिर कहीं भी देखेंगे आपको तुरंत आपके नज़दीक आ जाना,
एकदम मतलब ये भी आपसे काफ़ी घुल मिल जाती हैं, फिर प्यार करने लगती हैं। तो ये सर बोल रहे हैं कि गाय जो है काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, जो इंसान का क्लोज होता है और ये जो है एक भावनाओं को समझता है, चाहे जानवर होकर के भी हमारी भावनाओं, अगर हम इसको प्यार से इनके पास आते हैं तो ये हमारी भावनाओं का सम्मान करता है, ये भी हमसे जुड़ जाता है। तो ये अच्छे दिल के होते हैं। हाँ, एकदम साफ दिल के। अब इनके साथ रहने लगोगे तो ये भी इनको भी समझ, ये भी समझते हैं कि नहीं, ये इंसान मेरे साथ रहता है, मेरा प्यार करता है, तो आपको भी ये डबल प्यार देती हैं। आप जितना इनकी सेवा करते हो वो भी आपको काफ़ी मतलब प्यार करने लगती हैं, फिर गायें आपको, कोई आपसे मतलब वो नहीं करती। तो ये देख सकते हैं इनका जो फार्म था, लो स्ट्रक्चर, लो कॉस्टिंग है, बिल्कुल जो है जीरो बजट समझ लीजिए आप फार्म तो, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मेहनत किया है और जिस तरह से इस फार्म को बनाया है, बहुत ही लोगों को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि एक फूस का फार्म है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी मैनेजमेंट को सुधारा। फूस रखने से ना गर्मी नहीं अंदर आती। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है ये फूस लगाने से। हाँ। गायों के अंदर गर्मी नहीं होती, ठंडा देता है। अच्छा। इसलिए ये फूस मतलब हम ज़्यादातर यूज करते हैं कि गाय एकदम क्वालिटी, इनको ठंडा अच्छा फील होता है, कितनी भी धूप हो इनको धूप नहीं लगती, अच्छा लगता है इनको, मतलब फीलिंग्स भी अच्छी। गर्मियों में, सर्दियों में भी, सर्दी में गर्म रखता है और गर्मियों में ठंडा रखता है। अच्छा, इस कूस की यही खासियत है, इसलिए इसका बनाया है। तो बाहर आ जाए सर, हमें ये बताइए फिर कि जो डेयरी फार्मर हैं वो जब फार्म बनाते हैं उनको मतलब फूस का फार्म बनाना चाहिए, क्योंकि हाँ बहुत ही मतलब इस फूस का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि इसके यही खासियत है, गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म। अच्छा। एकदम गायों को एकदम रिलैक्स महसूस होता है, कोई इनको वो नहीं है, मतलब टेंशन नहीं। टीना वगैरह ये सब बनाने से गर्म होता है, हीट होता है, गाय बेचैन हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त ठंडा एकदम लाइफ इनकी चलती है। इसका मतलब आप काफ़ी एक्सपीरियंस तो हो गए हैं। हाँ, धीरे धीरे भाई सीख रहे हैं, तो मतलब कैसे होता है, तो अब इसके अंदर जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना कि नहीं, ये गाय से इनको ये चीज़ मिल रहा है, इसलिए हम इसको उजाड़ते नहीं है और इसको मेंटेन कर देते हैं। अच्छा, साल में एक बार मेंटेनेंस करते हैं इसका। अच्छा, और कुछ कुछ वगैरह पूरा ला के फिर ऊपर से मेंटेन वगैरह करके फिर इसको और मोटा कर देते हैं कि और बढ़िया रहे, जिससे तापमान अच्छा हो जाए। तो बहुत अच्छा फार्म आपने बनाया है। ये इस तरफ कौन सी बच्चे? ये हाँ बच्चे, एक दो गाय है, बाकी सब बच्चे हैं। ये सब नए नए बच्चे, इनके बच्चे हैं जो गाय का, उनका फार्म है। और एक साइड गाय रखते हैं जो दूध देने वाली है, एक काफ है, हीपर है और काल्फ है, छोटे बच्चे हैं, और एक आध गाय है इधर बंधी हुई। ये इनका जो है बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट एक तरह से कह सकते हैं, और ये सक्सेस है आज के डेट में, और बहुत अच्छा मतलब ये मना क्या क्या बोल रहा है, और ऐसे गाड़ियों से और डायरेक्ट पुआल को खिलाते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि अगर घास है या सूखा चारा है, हरा चारा है, आप काट के नहीं खिलाते हैं? नहीं खिलाते। तो इससे आपको जो है काट के खिलाने से पचेगा अच्छे ढंग से? नहीं, काट के खिलाने से मतलब कि पचेगा वो भी है, ऐसे खड़ा डालने से जो चारा बच जाता है तो इनके नीचे बिछाते हैं। अच्छा, वो बैठने, हाँ बैठने के लिए, रात को दिन में सुबह में उसको बचा हुआ जो होता है उसको सफाई करके उसके नीचे डाल देते हैं, तो उनको बैठने में मतलब कि चोट वोट वगैरह नहीं लगती है, वो भी एक है, इसलिए हम खड़ा ही खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये बोल रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात बोला इन्होंने, जो इनके पास तरीका टेक्निक। अच्छा, कोई फार्म में करने में दिक्कत हो या ना? ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है, मैसेज दे सकता है। हाँ हाँ हाँ, इस काम को अगर 30 गाय पाला है, 20 गाय का पाला है, तो उनका खर्चा या घर का खर्चा, गाय का खर्चा, घर का, बच्चों का, सब निकल जाता है, सब निकल जाएगा, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।